Namaskar. My name is Sanjeev Kaula. I am from in Vikaspuri, New Delhi. My son, Mr. Ritham Kaula, age is 16 years. He was very high fever. तो हम लोग जो थे लोकल डॉक्टर से मेडिसिंस ले रहे थे, उनको चेकअप कराया. आफ्टर दैट उन्होंने थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स दिए तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया. आफ्टर दैट उसकी जो सेहत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई, फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था. तो देन हम फिर अगेन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एडमिट किया वहाँ पे. वी डोंट नो क्या हुआ, उसकी जो चेस्ट था ना एकदम ऐसे बोल रहा था लाइक ए जनरेटर. तो जब वहाँ उन्होंने चेक किया तो सैचुरेशन बहुत गिर रही थी. उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया, सैचुरेशन फिर गिर रही थी. फिर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया, सैचुरेशन फिर गिर रही थी. आफ्टर दैट दे रेफर टू आकाश हॉस्पिटल. तो हम आकाश हॉस्पिटल आ गए तो एमरजेंसी में आए, उन्होंने चेक किया, कंडीशन वाज गोइंग वेरी क्रिटिकल. तो उन्होंने देखा तो सो दैट उन्होंने अपना ट्रीटमेंट एमरजेंसी में स्टार्ट किया. आफ्टर दैट हमको ICU में रेफर किया. तो पेडियाट्रिक्स डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने उसको चेक किया. तो कुछ टेस्टों के बाद पता चला भी उसको हाई नमोनिया विद रेस्पिरेटरी फेलर डायग्नोज किया गया. बट उनको सी पाइप पे रखा गया. तो नेक्स्ट डे कंडीशन वाज गोइंग टू वेरी क्रिटिकल. आफ्टर दैट दे पुट ऑन वेंटी. तो 15 दिन के बाद फिर वो वेंटी पे रहे. फिर उनको उतारने की कोशिश की बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. तो उनको एक सेरिब्रल कार्डियक अरेस्ट भी आया. तो डॉक्टर साहब ने, पेडियाट्रिशियन ने उनको CPR भी दिया. फिर अगेन दे पुट ऑन वेंटी. तो पेडियाट्रिक में जो ट्रीटर डॉक्टर थे, डॉक्टर समीर पुनिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज टीम हु हैज हैंडल वेरी वेल. डॉक्टर समीर ही वॉज लुकिंग दैट. तो डे टू डे हमारी होप जो थी वो बहुत जा रही थी. बट दे आर गिवन पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू अस. ही वॉज डूइंग गुड एफर्ट, गिविंग पॉजिटिव वाइब्स टू अस. तो डे टू डे हमको वो करते जा रहे थे, अपडेट करते जा रहे थे उसके मेडिकल्स के लिए, डे टू डे बताते जा रहे थे. तो धीरे धीरे उनकी जो सपोर्ट थी वो काफ़ी अच्छी होती गई और आज हम लोग इस कंडीशन में पहुँच गए. आज हम उसको डिस्चार्ज करा के लेकर जा रहे हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल आकाश टीम हु हैज गिवन गुड चांस टू मी. थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर समीर पुनिया, पेडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका. ये बच्चा रिदम हमारे पास आया था, इसको सांस लेने में तकलीफ थी और तेज़ बुखार था. हमने जब इसका डायग्नोसिस किया तो इससे एक सीवियर टाइप का निमोनिया निकला. ये बच्चा पहले से ही दौरों की दवाई ले रहा था और इनकी जो मसल्स है वो वीक थी. इतना बुरा निमोनिया होने के कारण हमें इसे वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और हमें इन्हें एंटीबायोटिक देनी पड़ी, जिसके बाद ये बच्चा अगले 5 से 6 दिन में इम्प्रूव होने लगा और हम वेंटिलेटर को धीरे धीरे कम कर पाए. जब वेंटिलेटर को हमने कम किया, हमने कोशिश की कि बच्चे को वेंटिलेटर से हम निकाल पाएँ, बट बच्चे की मसल इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं थी और इसलिए बच्चे को दोबारा से हमको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा. यही चीज़ हमने इनको 2 दिन बाद दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करी, पर मसल स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण बच्चे को हमको दोबारा से वेंटिलेटर पे लेना पड़ा और निमोनिया के बिगड़ने के कारण इनका लंग भी फटा, जिसके कारण इनकी दिल की धड़कन रुक गई. हमने इनकी कार्डिक मसाज किया और फेफड़ों से जो एक्स्ट्रा हवा थी वो बाहर निकाली. उसके बाद हम बच्चे को बचा पाए. उसके बाद हमने 4 से 5 दिन बच्चे को और वेंटिलेटर पर रखा और उसके बाद हमने जब पेरेंट्स से बात करी तो हमने इन्हें गले के रास्ते एक ट्रेकोस्मी ट्यूब के कारण इनको हवा दे पाए, जिसके बाद हमने इनको वेंटिलेटर से निकाला. और बच्चा वेंटिलेटर से निकालने के बाद अब बच्चा ट्रेकोस्मी के थ्रू सांस ले रहा है. पेरेंट्स की मदद के कारण, पेरेंट्स की डेडिकेशन के कारण और हमारी टीम के डेडिकेशन के कारण हम इस बच्चे को बचा पाए. अब बच्चा घर पे ट्रेकोस्मी के थ्रू सांस ले रहा है और बिल्कुल ठीक ग्रो कर रहा है. इस बेबी की रिकवरी के लिए मैं अपनी टीम को, मेरे डॉक्टर्स को, मेरे नर्सिंग स्टाफ को और स्पेशली पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस बच्चे को निकालने में मदद करी. थैंक्स.